क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान भगवान की पूजा करते हैं और अगर इस इंसान में भगवान की शक्ति आ जाए और मरते इंसान में भी जान फूंक दे तो सुनकर कैसा लगेगा, जबकि वो भगवान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में एम्स के अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसा चमत्कारी ऑपरेशन किया है जिससे ये प्रतीत होता है कि अगर धरती पर भगवान की कोई जगह ले सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एम्स अस्पताल के की एक टीम ने एक महिला के गर्भ में पल रही भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल का ऑपरेशन कर फिर से शिशु को जीवन दान दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 28 साल की गर्भवती महिला को 3 बार गर्भपात हो चुका था और जब उसको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के दिल की खराब स्थिति के बारे में पता चला तो वो महिला बेहोश हो गई। हालांकि महिला अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, इसलिए महिला ने डॉक्टरों को भ्रूण के दिल पर इलाज करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। आपको बता दें एम्स में स्त्री रोग के डॉक्टरों के साथ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की एक टीम ने हार्ट के बाधित बल्ब में बलून डायलेशन नाम का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, जिसमें एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में देखी गई प्रक्रिया को देखते हुए भ्रूण के दिल में एक सुई डाली गई और फिर एक बैलून कैथेटर का उपयोग करके बाधित बल्ब को खोल दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इसे लगभग 1.5 मिनट में करने में सफल रहे। आगे डॉक्टर ने कहा कि भ्रूण और माँ दोनों सही हैं और उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा कि मैं एम्स के डॉक्टरों की टीम को 90 सेकंड में एक भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल पर सफल दुर्लभ प्रक्रिया करने के लिए बधाई देता हूं। बच्चे और मां की सलामी के लिए मेरा प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।